हेलो गाइस, ये चिरमिरी गोदरीपारा की गुफा मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गाइस। ये बहुत बड़ा गुफा है, यहाँ एक बार ज़रूर घूमने के लिए आएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें। हेलो गाइस, तो चलिए आज हम आपको लेके आए हैं चिरमिरी जिला स्थित में कोरिया छत्तीसगढ़ जो कि गोदरीपारा में स्थित है कोठारी में गुफा मंदिर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ बरसात के समय में काफ़ी हरे भरे हो जाने की वजह से पेड़ पौधे भी रास्ते में आ चुके हैं। तो चलिए हम आपको गुफा मंदिर दिखाते हैं, यहाँ का बहुत ही सुंदर। यह है गाइस गोदरीपारा की गुफा मंदिर, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आपको यहाँ से दिखाते हैं। गोदरीपारा की गुफा मंदिर जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जगह है, चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की गुफा मंदिर। खूबसूरत मंदिर है यहाँ की, चलिए आपको गुफा मंदिर की सैर कराते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की गुफा मंदिर की किस तरह से कितना प्यारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, अभी यहाँ पे ताला बंद होने की वजह से हम अंदर जा नहीं सकते, यहीं से आपको दिखाते हैं यहाँ की गुफा मंदिर जो कि बहुत अंदर बहुत दूर तक ये गुफा फैला हुआ है। चलिए आपको दूसरे रास्ते से लेके चलते हैं। यह है गाइस यहाँ की गुफा मंदिर, जो कि आपको बहुत दूर तक ये गुफा फैला हुआ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं गाइस, ये है यहाँ की गुफा मंदिर गोदरीपारा। जय हो जय हो। देख सकते हैं गाइस बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत ये है संतोषी माता जी का बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर है गाइस। संतोषी माता जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है ये गुफा मंदिर, आपको ये गुफा मंदिर गाइस आपको संतोषी माता जी का ये गुफा मंदिर आपको गोदरीपारा में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे आपको दिखाते हैं यहाँ और क्या क्या है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे चारों ओर गुफा ही गुफा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा जगह है गाइस, एक बार जरूर यहाँ भी आपको घूमने आना चाहिए। अंधेरा होने की वजह से गाइस हम आपको पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखा सकते, बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा गुफा मंदिर है गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं चारों ओर चट्टों की गुफा बना हुआ है गाइस, इसे कोई इंसानों के दोबारा नहीं बनाया गया है, कुदरत की देन है गाइस, यहाँ कुदरती देन की वजह से इस गुफा से ही बना हुआ था, इसे किसी इंसानों के दोबारा बनाया गया नहीं है। बहुत ही बड़ा एक गुफा है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही बड़ा पत्थरों का चट्टान है, इसके बीच में आपको एक बहुत ही बड़ा गुफा देखने को मिलेगा जो इंसानों को दोबारा बनाया गया नहीं है। ये गुफा कुदरत की देन है, गुफा को कुदरत ने बनाया है।
आपको एक बार यहाँ भी जरूर घूमने का आना चाहिए। अंधेरा होने की वजह से गाइस आपको इस गुफा को अच्छी तरह से हम नहीं दिखा सकते। बहुत ही बड़ा ये गुफा है गाइस और बहुत ही प्यारा गुफा है। ये है गाइस बजरंग बली जी, इस फोटो पे बना हुआ है बजरंग बली एक पहाड़ को उठा के लेके जा रहे हैं गाइस। आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इस गुफा के अंदर एक मंदिर देखने को मिलेगा। इस जगह के बारे में गाइस बहुत कम लोगों को पता है। ये है भैरवनाथ जी का बहुत ही प्यारा खूबसूरत एक चित्र बनाया गया है। क्या आप देख सकते हैं बजरंग बली जी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत चित्र बना हुआ है। शंकर भगवान जी का एक शिवलिंग का चित्र बना हुआ है, देख सकते हैं चारों ओर पत्थरों की गुफा है। चलिए आगे आप लेके चलते हैं। ये हैं श्री राम जी। जय हो। थोड़ी आगे चलते हैं गाइस गुफा की दूसरी ओर। जय हो। यहाँ पे आपको भोलेनाथ जी का एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ का गुफा, चलिए आपको गुफा की दूसरी साइड लेके चलते हैं गाइस। ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जाते हैं इस गुफा के।
गुफा गोदरीपाड़ा में है गाइस, यहाँ पे संतोषी माता जी। ये गुफा बहुत ही बड़ा गुफा है गाइस। चलिए आगे आपको और भी कुछ दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ से आपको ये गुफा दिखाते हैं। ये बहुत ही बड़ा पत्थर का एक चट्टान का गुफा है गाइस। जो कि ये गुफा बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ के बीच में ये गुफा बना हुआ है। के बारे में मालूम नहीं था गाइस। तो देख सकते गोदरीपाड़ा में आपको ये गुफा देखने को मिलेगा। यहाँ पे संतोषी माता जी का बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे और भी भगवानों की मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये गुफा बहुत दूर तक फैला हुआ है, जैसे कि आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पत्थर की बहुत बड़े चट्टान है जो बहुत दूर तक ये गुफा फैला हुआ है। आपको एक बार यहाँ ज़रूर घूमने जाना चाहिए। आपको यहाँ के नज़ारे की सैर कराते हैं गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बरगद का बहुत ही बड़ा पेड़ देखने को मिलेगा। तरफ लेके चलते हैं जो कि इधर भी एक गुफा है और बहुत ही प्यारा गुफा है गाइस। चलिए आपको यहाँ से भी दिखाते हैं कि ये गुफा कितने दूर तक गया हुआ है। आपको एक बार ज़रूर यहाँ घूमने का आना चाहिए गाइस, बहुत ही अच्छा जगह है। देख सकते हैं आप, एक बरगद का पेड़ गया हुआ है और एक बरगद पेड़ के नीचे आपको एक गुफा देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे आपको इधर की भी गुफा दिखाते हैं। ताला बंद है इसलिए हम लोग आगे आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये है यहाँ की, ताला बंद होने के वजह से हम लोग गाइस आगे आपको यहाँ की वीडियो नहीं दिखा सकते। यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। जय माता दी। चलिए आपको चिरमिरी की वीडियो, चिरमिरी गोदरीपाड़ा। तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। बहुत ही प्यारा जगह है, ये है हमारा प्यारा चिरमिरी जन्नत। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।